बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएच मैथमेटिका। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन करेंगे। तो साइन फंक्शन जो है, उसकी जब डेरिवेशन करेंगे तो उसके लिए हमने सपोज किया कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब हमने इससे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि वी नो दैट वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। हमने इस फंक्शन को उस फार्मूले में जाके वैल्यू अप्लाई करनी है। इस फंक्शन की लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये हमारे पास है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फार्मूला। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे साइन एक्स रखूँ, तो इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेल एक्स लिखूंगा, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो इफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। यहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगेन माइनस, फिर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो है साइन एक्स, वो अप्लाई करूंगा साइन एक्स अपान डेल्टा एक्स। अब फर्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपने पढ़ा है साइन यू माइनस साइन वी, दैट इज इक्वल टू टू कॉस यू प्लस वी अपान टू एंड साइन u माइनस वी अपान टू। अगर मैं कंसीडर करूं यहां पे x प्लस डेल्टा x को u के और x को v के इक्वल सपोज करूं, तो ये फंक्शन बन जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो साइन सॉरी टू कॉस u की जगह पे मैं लिखूंगा x प्लस डेल्टा एक्स, फिर क्या है प्लस है यहाँ पे और फिर वी, और वी हमने कंसीडर किया यहाँ पे एक्स अपान टू। अगेन यहाँ पे क्या है साइन एक्स है सॉरी साइन है, तो साइन यू की जगह पे लिखूंगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और फिर यहाँ पे है माइनस, तो मैंने लिखा यहाँ पे माइनस और वी वी हमारे पास है एक्स अपान टू डिवाइडेड बाय ये डेल्टा एक्स मैंने यहां पे सेम रखा। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये फंक्शन आपका बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और यहां पे एक्स को एक्स से ऐड करूंगा तो टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू, तो टू कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू और यहां पे साइन एक्स एक्स से कैंसिल डेल्टा एक्स अपान टू और ये जो डेल्टा एक्स है यहाँ पे इसे मैंने इसके अपान में रख दिया डेल्टा एक्स करके। यहाँ पे ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और ये बन जाएगा कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान टू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स अपान टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपान टू। यह हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है सैंडविच थ्योरम, ये इक्वल होता है जब लिमिट आपके पास होती है जीरो तो हम इसे वन के इक्वल रखते हैं और यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे अगर मैं जीरो अप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा कॉस टू एक्स अपान टू।
क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह पे जब हम जीरो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x/2 बचेगा और ये आपका 1 के इक्वल आ गया। ये 2 से कैंसिल, जब मैं रिमेनिंग टर्म लिखूंगा यहाँ पे तो ये है कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स जो है वो इस साइन फंक्शन की डेरिवेटिव है। थैंक्स।